वेलकम गाइस, दिस इज संदीप सर। आज हम लोग सांची ट्यूटोरियल्स में एडजेक्टिव सीखने के लिए जा रहे हैं। एज अर्लियर वी हैव बीन डिस्कस अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन एंड इट्स टाइप, राइट। आज हम लोग एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे। एडजेक्टिव सीखने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपको आपके दोस्त से कुछ चाहिए तो आप उसको किस तरह से वो चीज़ हासिल करोगे? जाहिर सी बात है, आप उसकी तारीफ करोगे, राइट। आपके दोस्त का नाम अगर प्रशांत है तो आप बोलोगे, प्रशांत यू आर लुकिंग सो हैंडसम, राइट। प्रशांत यू आर नाइस बॉय, राइट। इस तरह से आप क्या करोगे, उसकी तारीफ करोगे, बराबर है। तो बस तारीफ के फूल बांधते समय आप जो आपके दोस्त को शब्द कहते हो उसी को एडजेक्टिव कहा जाता है। आपका दोस्त का नाम क्या था? प्रशांत। और प्रशांत की आप क्या कर रहे हो? तारीफ। उसको क्या दे रहे हो आप? एक कुछ तो विशेष रूप में आप उसको नाम दे रहे हो, जिसको विशेषण कहा जाता है, और विशेषण को ही एडजेक्टिव कहा जाता है। सो व्हाट इज एडजेक्टिव? वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। ये ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, दर्शाता है, बताता है। अगर प्रशांत ये नाम है, ये नाउन है, तो उस प्रशांत को डिस्क्राइब करते हुए आपने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, राइट। यू आर सो नाइस। जो ये नाइस है उसके बारे में जो आप तारीफ कर रहे हो उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ आया? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे और भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? सुमित इज अ स्टूडेंट। सुमित क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है? सुमित इज अ आइडियल स्टूडेंट। वो रेड मार्क दिख रहा है आपको आइडियल का? ये जो सुमित क्या है, एक आइडियल स्टूडेंट है। जो सुमित को दिया गया एडजेक्टिव है वो क्या है? आइडियल है। तो सुमित के बारे में, ये जो सुमित नाउन है उसके बारे में विशेष रूप से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आइडियल के नाम से, उसको कहेंगे हम लोग एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल, मनीषा इज अ गर्ल। ये क्या है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सिर्फ और सिर्फ मनीषा क्या है? गर्ल है। लेकिन मनीषा के बारे में जो नाउन है और गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। जो मनीषा के बारे में, नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मनीषा इज अ गुड गर्ल। तो गर्ल कैसी है? मनीषा गुड है। तो ये जो गुड है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए अभी एडजेक्टिव के टाइप सीख लेते हैं। देर आर सिक्स टाइप ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने होते हैं? सिक्स टाइप। एक होता है एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर, एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड लास्ट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चलो, और पोजेसिव एडजेक्टिव। पहला है एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी, ये जो क्वालिटी वर्ड दिख रहा है ना आपको, क्वालिटी से आप समझ लेते हो कि इसमें किस तरह का एडजेक्टिव, मतलब सेंटेंस में किस तरीके का एडजेक्टिव आएगा। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? दर्शाता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल, आई हैव अ ऑसम बुक। आई हैव अ ऑसम बुक है, लेकिन कैसा है? ऑसम है, बहुत अच्छा है। ये किसके बारे में दर्शा रहा है? बुक के बारे में, बराबर है। तो ये बुक क्या है? ये है कॉमन नाउन, राइट। ये कॉमन नाउन को हम लोग किस तरह से दर्शा रहे हैं कि ऑसम है, बराबर है। क्वालिटी बता रहे, बुक की क्या बता रहे? क्वालिटी। और बुक की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है? बुक गुड हो सकता है, बुक नाइस हो सकता है, राइट। बुक में की जो कंटेंट्स है वो वेरी कॉम्प्रहेंसिव हो सकते हैं। ये सारी क्या है? बुक की क्वालिटीज है। मतलब हम लोग किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बोल रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। माई फ्रेंड्स आर नाइस। मेरे फ्रेंड है, लेकिन कैसे है? नाइस है। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे फ्रेंड के क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं।
राइट, मेरे फ्रेंड कैसे है, नाइस है। समझ में आ गए यहाँ तक के? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर आपने की टेडी खरीद के आए हो, जो होता है ना छोटी छोटा टेडी जैसा, या फिर आपने बॉल खरीद के लाया हो, या फिर कोई भी चीज़ आपने खरीद के लाई हो, तो आप उस चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हो। कैसी क्वालिटी है? अगर हम लोग किसी मार्केट में जाते हैं तो हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हम लोग उस चीज़ की क्वालिटी पूछते हैं कि ये किसी क्वालिटी की चीज़ है, लंबे समय तक टिकती है, पैसा ज़्यादा तो नहीं है। तो ये जो क्वालिटी के बारे में हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी से ही आपको एक समझ में आता होगा कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। हम लोग क्या क्वांटिटी के बारे में किस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि कितने चीज़ें हम लोगों को चाहिए। क्वांटिटी राइट, वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन और नाउन की क्वांटिटी दर्शाते हैं, क्वांटिटी दर्शाते हैं। क्वांटिटी में क्या क्या आता है? सम, इनफ, मेनी, मच, इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो क्वांटिटी में आते हैं। जब कभी सेंटेंस में नाउन के लिए, नाउन को दर्शाते हुए सम, मेनी, इनफ, राइट, मच, इस तरह से अगर वर्ड्स आते होंगे जिसको क्वांटिटी के बारे में दर्शाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। आई हैव सम मनी, मेरे पास क्या है? सम मनी है, जो वर्ड है सम, इसको हम लोग क्वांटिटी के बारे में बोल रहे हैं। आई एम गोइंग टू विलेज एंड आई हैव इनफ मनी फॉर ट्रैवलिंग। मैं इस गांव जा रहा हूँ लेकिन मेरे पास क्या है? इनफ मनी है, इनफ बहुत सारे पैसे है जो कि मैं ट्रैवलिंग में खर्च करूंगा, राइट। तो आई हैव इनफ मनी फॉर ट्रैवलिंग, समझ में आ गया। तो जो सम, इनफ, मेनी, राइट, हाउ मेनी मतलब हम लोग अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, तो इस जो क्वेश्चन पूछते समय या फिर जो भी चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं क्वांटिटी के बारे में, तो हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिटी को वहाँ पे दर्शाते हैं। समझ में आ गया। चलो थर्ड देख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी नंबर से आप समझ में आ जाओगे कि एग्जैक्ट नंबर जिसमें डिस्क्राइब किया। देखो गाइस, जितने भी एडजेक्टिव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार ध्यान में रखो, जितने भी एडजेक्टिव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बोल रहे हैं, राइट। तो इसमें भी यही हो रहा है, एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर होता है ना जो फिगर में 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिट तक, 100 तक जो भी रहेगा, वो एग्जैक्ट नंबर को जो डिस्क्राइब करता है, और किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन में जो एग्जैक्ट नंबर आता है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल, आई हैव 10 एप्पल। एप्पल क्या है? एक हो गया नाउन, कॉमन नाउन, राइट। एप्पल क्या है? नाउन है, लेकिन एप्पल के बारे में कितने वर्ड्स आए, कितना नंबर आया? 10। तो ये जो 10 है ये भी है एडजेक्टिव, और ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई एम प्लेइंग विथ माई 6 प्लेयर, मैं मेरे 6 प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ, तो इसमें जो 6 है ये भी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर वो एग्जाम्पल में कोई भी नंबर आता है और वो नंबर नाउन या प्रोनाउन के बारे में या फिर नाउन या प्रोनाउन को दर्शाता है, डिस्क्राइब करता है, तो उसको आप सिंपली बता दो कि ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर। इसको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी एप्पल्स, तो आप क्या कहोगे? आई हैव अ 10 एप्पल। हाउ मेनी प्लेयर्स आर यू प्लेइंग विथ, तो आप क्या कहोगे? आई एम प्लेइंग विथ माई 6 प्लेयर्स, राइट। चलो आगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको मैंने सिखाया था, प्रोनाउन के जो पार्ट थे उस प्रोनाउन के पार्ट में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन अब ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हम यहाँ पर वी आर नॉट डिस्कसिंग हेयर अबाउट द प्रोनाउन, वी आर डिस्कसिंग हेयर अबाउट द एडजेक्टिव। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दो, वर्ड्स दैट पॉइंट आउट, पॉइंट आउट मतलब जिसको दर्शाता है, अ पर्सन, थिंग, एनिमल एंड प्लेस, बराबर है,
जो जो चीज़ें रहेगी उसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, मतलब उसको पॉइंट आउट करते हैं। अरे मैंने एक बार बताया था ना आपको कि डस्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज अ डस्टर, राइट। डस्टर है लेकिन हम लोगों को किस चीज़ से हम लोग उसको दर्शा रहे हैं, दिस के दिस इस चीज़ से दर्शा रहे, राइट, इस थिंग से दर्शा रहे। तो इसके लिए जो दिस रहेगा वो क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव रहेगा। दिस दैट डोज दिस, ये सारे वर्ड्स क्या है, डेमोस्ट्रेटिव भी आते हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते। दिस पेन इज माई, दिस पेन इज माई। अभी यहाँ पे ध्यान दो गाइस, थोड़ा कन्फ्यूजन यह होगा कि मैंने जो आपको सिखाया था ना प्रोनाउन के बारे में, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करता, लेकिन ये जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बोलता है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, दिस पेन इज माइन, ये किसके बारे में बोल रहा है, पेन के बारे में बोल रहा है। किसको दर्शा रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, पेन को दर्शा डिस्क्राइब कर रहा है। इसके लिए इसको क्या कहेंगे, दिस पेन, बराबर। बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर में दर्शाया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, दिस पेन, दिस पेन क्या मतलब, दिस जो वर्ड्स है वो पेन के लिए आया है, बराबर है। यहाँ पे देखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या हो रहा है, दिस इज माई पेन, ये जो दिस है ये किसके बाद आ रहा है, मतलब किसके पहले आ रहा है, बिफोर द इज के पहले आ रहा है, बिफोर द इज इसके पहले आ रहा है। इसके लिए इसको हम लोग कहेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन एंड प्रोनाउन के पहले आता है, जो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे मैंने बताया भी है गाइस। देखो इन द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस कम बिफोर नाउन, मतलब पेन, सो इट इज डिस्क्राइबिंग नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव एंड इन द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, बराबर है। कम बिफोर इज, देयरफॉर इट इज अ प्रोनाउन, मतलब क्या होता है, इज के पहले आ रहा है दिस, इसके लिए ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर दिस जो है प्रोनाउन के बाद या फिर नाउन के बाद आ रहा है या नाउन के पहले आ रहा है, इसके लिए इसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डब्ल्यू एच क्या होता है ये आपको पता है, जिसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बराबर है, जिसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो इस तरीके के होते हैं। देखो हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हो, Whose, whom, which, what, ये सारे जो डब्ल्यू एच से जो चालू होते हैं, हाउ, डब्ल्यू एच ओ, सॉरी एच ओ डब्ल्यू, राइट, हाउ। तो ये जो वर्ड्स डब्ल्यू और एच से जो चालू होते हैं क्वेश्चन, इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, फिर से यहाँ पे यही होने वाला है जो मैंने आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन में सिखाया था, यहाँ पे भी मैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी यही आपको सिखाऊंगा। देखो ध्यान दो, कैसे पहचानने का इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या, कैसे पहचानने का सेंटेंस में से, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कैसे पहचानने का सेंटेंस में से। एग्जांपल, विच पेन इज यूअर्स, विच पेन इज यूअर्स, विच प्लेस आर यू गोइंग। अभी यहाँ पे फिर से वही मैं सिखाऊंगा। देखो बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे दिखाया है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव दिखाया है, देखो एरो करके, विच पेन इज यूअर्स, विच किसके पहले आया है, प्रोनाउन या फिर नाउन, जो यहाँ पे नाउन बता रहा है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले आया है विच। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो विच होता है वो किसके पहले आया है, वो इज के पहले आया है, बिफोर इज, विच इज कम बिफोर इज, देखो यहाँ पे दिख रहा है इज के पहले आया है। सेम थिंग इन दिस इंटरोगेटिव एडजेक्टिव विच कम बिफोर नाउन, मतलब पेन जो कि यहाँ पे आया है, देखो इस एग्जाम्पल में मैंने दर्शाया है, राइट, विच कम बिफोर द, बिफोर द पेन, मतलब नाउन के पहले आया है। देन सो इट इज डिस्क्राइबिंग नाउन, इट इज एन एडजेक्टिव, ये क्या कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके लिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। और कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, विच आया है, इसके लिए हम इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो
विच कम बिफोर इज, जो विच होता है वो इज के पहले आता है, इसके लिए हम लोग इसको कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव मैंने बताया है जिस पे हम लोग ओनरशिप दिखाते हैं, हक जमाते कि ये चीज मेरी है, यह चीज मेरी है। इन सारी चीजों से जिस पर हम लोग हक जमाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं, उसको हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। वर्ड्स दैट आर यूज टू शो ओनरशिप, ओनरशिप दिखाता है ऐसा वर्ड्स, और किसके बारे में ओनरशिप दिखाता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल देखो, सुनील लेफ्ट हिज बुक एट ट्यूशन। सुनील ने क्या किया है? उसका जो बुक है वो ट्यूशन पे छोड़ दिया है, राइट? सेम यहाँ पे वही हो रहा है जो प्रोजेक्ट। कैसे पहचाने सेंटेंस में से कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है और पजेसिव प्रोनाउन क्या है? तो देखो यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, सुनील लेफ्ट हिज बुक एट ट्यूशन। जो हिज है वो किसके बारे में दिखा रहा है, बता रहा है? बुक के बारे में। हिज क्या है? उनका। हिज मतलब क्या है? उसका। उसका किसके बारे में बता रहा है? बुक्स के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पे बुक्स किसका है? यहाँ पे देखो, यार सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बुक्स किसका है यहाँ पर? सुनील का है, बराबर है। तो हिज किसको दर्शाने के लिए आया है, मतलब बुक्स, हिज किसको दर्शाने के लिए आया है? बुक्स को, उसी का बुक्स है ना। यहाँ पर देखो पजेसिव नाउ प्रोनाउन में क्या दिखाता है, क्या समझ आ सकता है हमको? द बुक इन द ट्यूशन इज हिज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक को दर्शाया है, यहाँ पे क्या दिया है? बुक को दर्शाया है, मतलब ये जो बुक है वो क्या है? उसका है। और ये पहले सेंटेंस में क्या दिखाया है? पहले सेंटेंस में क्या बताया है कि हिज बुक, ये जो उसका बुक था जो ट्यूशन में छूटा है। समझ में आ रहे ना? हेयर इज इन, इज इज इन पॉजिटिव प्रोनाउन नॉट डिस्क्राइबिंग नाउन। हिज क्या बता रहा है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन में है लेकिन ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। नाउन क्या है? बुक को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। लेकिन जो पहला सेंटेंस हम लोगों ने देखा था पॉजिटिव एडजेक्टिव में, जहाँ पे ये हिज किसको दर्शा रहा है? नाउन को, बुक को दर्शा रहा है, राइट? उसका बुक है, बुक उसका है, राइट? यूज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन सो इट इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन, यही बताया है। और यहाँ पे क्या बताया है? द बुक हिज इज डिस्क्राइबिंग द नाउन, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, राइट? अभी कैसे पहचानने का कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, और कैसे पहचानने का कि इन सारे टाइप्स में से एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए मैंने छोटा सा फॉर्मूला आपको बताया है, इससे आप पहचान सकती हो। व्हेन वी आर इन कन्फ्यूजन, जब हम लोग कन्फ्यूजन में होते हैं, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द वर्ड्स इज एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो सिंपली एक ही चीज़ याद में रखो गाइस, वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसा वर्ड जो क्या रहेगा, नाउन के अलावा आया होगा, मतलब नाउन को दर्शा नहीं रहा है, ऐसा वर्ड आया होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन मैं पूरे लेक्चर में यही समझा रहा हूँ आपको कि जो वर्ड्स, जो चीज़ें या फिर एडजेक्टिव यही होता है जो नाउन और प्रोनाउन को दर्शाता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, उसको कहेंगे हम लोग एडजेक्टिव। आई होप एडजेक्टिव और उनके सब टाइप्स आपको समझ चुके होंगे। एक बार सिंपली गो थ्रू कर लेते हैं, एंड कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मुझे पूछ लो। वॉट इज एडजेक्टिव? वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को दर्शाता है, उसके बारे में बोलता है, बात करता है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, अरे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए है, सुमित इज अ स्टूडेंट। सुमित सिर्फ स्टूडेंट है लेकिन कैसा है? हाउ, राइट? सुमित कैसा स्टूडेंट है? आइडियल स्टूडेंट है, मतलब सुमित के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट? सुमित के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मनीषा इज अ गर्ल, मनीषा क्या है? सिर्फ गर्ल है। मनीषा क्या है? ये है प्रॉपर नाउन, और गर्ल क्या है? ये है कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे मनीषा किस तरह की गर्ल है? मनीषा गुड गर्ल है। टाइप बताए हम लोगों ने, 6 टाइप हम लोगों ने यहाँ पे लिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एंड लास्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम लोगों ने देखा था कि जो वर्ड्स क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोगों ने कहा था
एडजेक्टिव क्वालिटी। आई हैव ऑसम बुक, बुक के बारे में बता रहा है लेकिन क्वालिटी बता रहा है ना बुक की, कैसा है बुक, ऑसम है। आई हैव अ योर हैंड राइटिंग इज वेरी लेजिबल, आपकी हैंड राइटिंग के बारे में बोल रहा है राइट, लेकिन कैसी है, लेजिबल है, क्वालिटी बता रहा है हैंड राइटिंग की राइट। तो माई फ्रेंड आर नाइस, मेरे फ्रेंड कैसे है, नाइस है। चलो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव, वर्ड दैट डिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ऐसे वर्ड जो क्वांटिटी दिखाते हैं राइट, जिसके बारे में हम लोग सम, मच, मेनी, इनफ, ये सारे क्या है क्वांटिटी के बारे में आने वाले वर्ड्स है। एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर, जिसमें वर्ड्स का एग्जैक्ट नंबर दिखाता है, कितने एप्पल है, 10 एप्पल है, कितने प्लेयर है, 6 प्लेयर है, ये जो 10 और ये जो 6 बता रहा है रेड मार्क में वो क्या है, वो नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। चलो थर्ड वन हम लोग सीख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर, वर्ड दैट डिस्क्राइब एग्जैक्ट नंबर के बारे में हम लोगों ने सीखा था, जो एग्जैक्ट नंबर बताता है। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वर्ड दैट पॉइंट आउट अ पर्सन, थिंग, एनिमल्स और प्लेस, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, इसके इसको हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होता है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही दर्शाने के लिए दिखाया होता है, बताने के लिए दिखाया होता है, दिस, दैट, दोस, दिस, ये सारे वर्ड्स को, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो सिर्फ वो किसके पहले आता है, इसके पहले आता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें सेंटेंस में ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए अगर इसके पहले आता है दिस, दैट, दोस, ऐसे वर्ड, तो इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और नाउन के पहले आता है, बिफोर नाउन आता है दिस, दैट, दोस, ये सारे वर्ड्स, तो उसको हम लोग कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो क्वेश्चन क्रिएट करता है, WH क्वेश्चन, हु, हूज, whom, which, what, इस तरह के, इसको भी इसी तरह से पहचाना जाता है, जो इज के पहले बिफोर इज आएंगे तो इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, अगर ये नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आएंगे तो इसको कहेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो कि ओनरशिप दिखाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो किसके बारे में बताता है, बुक है लेकिन, बुक है लेकिन नाउन के बारे में ओनरशिप दिखा रहा है, बराबर है, नाउन के बारे में ओनरशिप दिखा रहा है, इसीलिए सुनील का बुक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या दिखा रहा है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, ये उसका बता रहा है, लेकिन ये एक्चुअली नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, डिस्क्राइब नहीं कर रहा। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आइडेंटिफाई करें, तो सिंपली मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया है कि जो वर्ड क्या बता रहा है, नाउन के बारे में नहीं आ रहा है, सिर्फ ऐसे ही आ रहा है सेंटेंस में, लेकिन नाउन के लिए आ रहा है, प्रोनाउन के लिए आ रहा है, उनको दर्शा रहा है, उनको कहेंगे एडजेक्टिव। आई होप गाइस ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया रहेगा, अगर कुछ क्वेश्चन या फिर डाउट रहेंगे तो प्लीज आस्क मी, थैंक यू वेरी मच।